राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई। यहां पर 25 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी और 3 दिसंबर को परिणाम होगा। पार्टियों ने यहां उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। हालांकि कई सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाना बाकी। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया गया। नमस्कार, एक बार फिर चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ साक्षी। पिछली बार हमने बात की थी श्रीगंगानगर विधानसभा सीट की और आज हम बात करेंगे ब्यावर विधानसभा सीट की। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र का अपना भौगोलिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक महत्व, यही वजह है कि अंग्रेजों ने ब्यावर को सैन्य छावनी बनाया। वहीं साल 1836 में चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन ने इस नगर की स्थापना की। यह शहर चार दीवारियों में बसा है और इसके चार मुख्य दरवाजे, साथ ही मुख्य बाजार का आकार क्रॉस की है और यहाँ की तिल पट्टी भी काफी फेमस है। अब बात करें यहाँ की सियासत की, तो ब्यावर नगरी की सियासत यहाँ की मशहूर तिल पट्टी की तरह ही कुरकुरी है। वर्तमान में सीट पर भाजपा का कब्जा है और शंकर सिंह रावत यहाँ से विधायक, जो 2008 से 18 तक लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। ब्यावर विधानसभा में पिछले 3 चुनावों से भाजपा लगातार जीत दर्ज कर दिया है। अब बात करें 2023 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने यहां उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने यहां से एक बार फिर शंकर सिंह रावत को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर पारसमल जैन को मौका दिया। अब अगर नजर डालें 2018 के विधानसभा चुनाव पर, तो यहां शंकर सिंह रावत ने 4,502 मतों के अंतर से पारसमल जैन को हराया। 2018 के चुनाव में कांग्रेस नेता पारसमल जैन को 65,430 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी नेता शंकर सिंह रावत ने 69,932 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। अब बात करें ब्यावर में जातीय समीकरण की, तो 2,57,000 के आसपास यहां मतदाता है। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र रावत नहरात बाहुल्य क्षेत्र, तो यहां SC और OBC जातियां भी बहुत हैं। इस बार ब्यावर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं विधानसभा की राजनीतिक समीकरण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।